क्यों जो सब बुरे आए अपनी मैं मन लेंदा क्यों जो सब बुरे आए अपनी मैं मन लेंदा मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा फजल ना रब ए खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी ए खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी तेरे ही हजूर विच बदी की थी सारी तेरे ही हजूर विच बदी की थी सारी फजल ना मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरे आई मैनू विच गुणा दे जमया मेरी मारी फजल ना है जनों हम प्रभु की मेज में शिरकत करने वाले हैं We're going to take part in the Lord's Supper. और आपको पता है कि हर बार जब भी हम इसमें हिस्सा लेते हैं मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये प्रभु की ओर से हमें हदायत और हुक्म दिया गया है कि इस मेज में हमने शिरकत करनी है And you know I remind you every time this is from the Lord that we're supposed to take a part in this table. और इसमें हिस्सा लेने के लिए खुदावन ने कहा है कोई भी अनुचित तरीके से बिना सोचे समझे इसमें हिस्सा ना ले And it says that don't take part without thinking into this table. कहने का माना यह है आपने सोचना है विचारना है कि क्या यीशु आपका मुक्ति दाता नजात दहिंदा है या नहीं It means that you have to think that is the Lord your savior or not. वाणी कहती है अगर आप किसी ऐसी वस्तु का सेवन करते हैं चाहे नशीली वस्तु का तो आप इसे वंचित रहें क्योंकि अनुचित तरीके से इसमें हिस्सा लेना ठीक नहीं The Lord says to refrain from it. The word says to refrain from it if you take part in any alcohol. ठीक है आपने बड़ी संजीदगी के साथ इज्जत देते हुए खुदावन के साथ मेज में शिरकत करनी You're going to take part with it with much respect and honor. ठीक है खुदावन जानता है The Lord knows. वो आपके दिल को जानता है He knows your heart. वो चाहता है कि आप बड़ी इज्जत के साथ इसमें शिरकत करें He wants you to take part of it respectfully. अगर आपने अभी तक अपने विश्वास का इजहार पानी के बपतिस्मे के साथ नहीं किया है तो आप वेट करें जब तक आप पूरा करते हैं फिर इसमें हिस्सा लें If you haven't confessed your faith in a baptism then you should wait and then take part. तो फिर अगर आपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है If you have accepted Jesus Christ, आपको पता है कि आप प्रभु के साथ ठीक चल रहे हैं and you know you're walking well with him, और आपको पता है बिल्कुल तैयार हैं आप इसमें and you know that you're absolutely ready, फिर कोई आपको नहीं रोकता है then there's no stopping फिर आप you. खुशी से इसमें हिस्सा लें and you can happily take ये part. हुक्म है खुदावन की this is a command by the Lord. आप इसमें हिस्सा लें that you should take a part of this. ठीक है रोटी उदाखरस के लिए दुआ करें पिताजी हम रोटी उदाखरस के लिए दुआ करते हैं कि ये जूस और ये रोटी खुदावन तेरे पवित्र नाम से ब्लेस करी जाएं आशीष हो जब इसमें आप हम मिलकर हिस्सा लें आप सबको ब्लेस करें आशीषों से बरकतों से रहम फजल से अनुग्रह से भरें प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं आमीन आइए आप रोटी उदाखरस को लें अपनी जगह पर जाएं फिर हम मिल के यहां से जब कहा जाएगा एक साथ टुगेदर रोटी उदाखरस में हिस्सा लेंगे You're going to come and take your cup and go back to your seats and we'll take it all together. ठीक है आप सामने की आल से आएं इस तरफ से जाएं You're going to come from the front and go out this way. किसी कारणवश अगर आप सामने नहीं आ सकते तो आप तक जो है रोटी उदाखरस पहुंचाया जाएगा
If you can't come forward, we'll bring it to you. Jesus. In the blood of Jesus. Yehi dua hai. Rakh lahu ke niche. Yehi sada hai. Rakh lahu ke niche. Najat dil de. Rakh lahu ke niche. In the blood of Jesus. खुदा के बड़े रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू ये पवित्र यहोवा का है लहू ये खुदावन मसीहा का है पवित्र यहोवा का है लहू ये खुदावन मसीहा का है लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू ही गुनाहों को देता मिटा लहू ही बीमारों को देता शिफा लहू ही यहोवा से देता मेरा खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे यही दुआ है रख लहू के नीचे यही सदा है रख लहू के नीचे नजात हिंदे रख लहू के नीचे खुदा के बल्ले रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा खुदा का बर्रा देखे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे आइए ऊपर के रैपर को खोलेंगे तो आपको रोटी मिलेगी open the top wrapper and you'll find the bread roti yeshu ke toote hue sharir ko yaad dilati hai this signifies the broken body of christ aaiye milkar is roti ko todte hue isme hissa lenge and together we'll partake in it ab niche ke hisse ko kholenge to aapko juice milega yeshu ke lahu ko yaad dilata hai milke isme hissa lenge open the lower part and it's going to represent the blood of Christ. Thank you, Jesus. Praise God. Now, this is empty.